हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन के बारे में, एंटीबॉडी हमारे बॉडी में कैसे बनती है। इंट्रोडक्शन कुछ पॉइंट देख ले रहे हैं। एंटीबॉडी आर द इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी जो होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं। इट इज स्पेसिफिक रिएक्ट विद द ओनली वन टाइप ऑफ एंटीजन। जो एंटीबॉडी होती हैं स्पेसिफिक होती हैं, केवल एक तरीके की एंटीजन से एक एंटीबॉडी रिएक्ट करती है, यानी हर एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होती हैं। एंटीबॉडी जो होती है इसका जो शेप होता है वाई शेप की होती है। जो एंटीबॉडी को जो प्रोड्यूस करता है वो करती हैं प्लाज्मा सेल, तो एक WBC होती हैं। WBC मतलब लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। एक बी लिम्फोसाइट जो है वो WBC सेल है। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो WBC सेल होते हैं। जो बी लिम्फोसाइट क्या बनाती हैं, प्लाज्मा सेल बनाती हैं। प्लाज्मा सेल बनाती हैं। तो प्लाज्मा सेल जो होती है ये एंटीबॉडी सीक्रेट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी सीक्रेट करती है, ये भी सही है। कहा जाए WBC एंटीबॉडी सीक्रेट करती है, ये भी सही है। अगर कहा जाए प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, ये भी सही है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि तो इसमें आएगा कहीं के पॉइंट, तो उसको ध्यान रखना। ये टाइप ऑफ WBC दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट एंटीबॉडी, एक टाइप ऑफ WBC ने बी लिम्फोसाइट सीक्रेट एंड प्रोड्यूस एंड सीक्रेट एंटीबॉडी आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा बी सेल, जिसे हम प्लाज्मा बी सेल भी कहते हैं, यानी प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट कहते हैं और प्लाज्मोसाइट। जो प्लाज्मा बी सेल जो होती हैं, बी लिम्फोसाइट होती है, ओरिजिनेटेड इन द बोन मैरो, बोन मैरो में बनती हैं। दे ट्रेवल टू स्प्लीन, ये स्प्लीन में जाती हैं या लिम्फ में जाती हैं टू सीक्रेट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को सीक्रेट करने के लिए स्प्लीन या लिम्फ नोड में जाती हैं। लिम्फ में एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ये वाई शेप का होता है। हमने स्ट्रक्चर को इनकम्प्लीट रखा यार, मतलब यहाँ जो होता है वेरिएबल रीजन होता है, यहाँ क्या होता है कांस्टेंट रीजन होता है। ये क्या होता है जो बड़ी वाली चेन, इसे क्या हैवी चेन कहते हैं, इसे कहते हैं लाइट चेन। वेरिएबल रीजन से क्या होता है एंटीजन आके बाइंड करता है, ये तो पता होगा ना एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, इंस्पेक्शन में एक बार देख लेना। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले एक पॉइंट हम देख ले रहे हैं, बी लिम्फोसाइट आर एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। कह रहे जो बी लिम्फोसाइट होती है ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल होती है। एक्चुअली बी लिम्फोसाइट नहीं होती है, बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है प्लाज्मा सेल बनाती हैं। प्लाज्मा सेल जो होती हैं ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। तो शायद चाहे कह दिया बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, सही है ये भी बात। तो बी लिम्फोसाइट आर एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल दैट डेवलप्स इन द बोन मैरो, जो कि बोन मैरो में बनती है। बी लिम्फोसाइट क्या है, एक प्रकार के WBC है। अब मैकेनिज्म देख ले रहे हैं, वंस एंटीबॉडी बाइंड विथ एंटीजन, जो वाई शेप की एंटीबॉडी है जैसे किसी एंटीजन से ये बाइंड करती है, वैसे क्या कहते हैं ये एंटीबॉडी डिवाइड करना चाहती है, कई एंटीबॉडी बनाना चाहती है। जो ये एंटीबॉडी डिवाइड करना चाहती है इससे जो बी सेल होती हैं, जो यानी बी लिम्फोसाइट होती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, फिर वो एंटीबॉडी बनाने लगती हैं। इसका मतलब जब एंटीबॉडी से एंटीजन बाइंड करता है तो एंटीबॉडी जो होती है वो डिवाइड करने की कोशिश करती है, इससे बी सेल एक्टिवेट होती हैं जिससे वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है। तो यही कहानी है, देख लो। वंस एंटीबॉडी बाइंड विद द एंटीजन, एंटीबॉडी स्टार्ट टू डिवाइड रैपिडली, एंटीबॉडी रैपिडली डिवाइड करने लगती है, जिससे क्या होता है बी सेल यानी बी लिम्फोसाइट आर एक्टिवेटेड, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं। मेच्योर बी सेल यानी बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू द प्लाज्मा सेल एंड सम मेमोरी सेल। जो बी लिम्फोसाइट सेल होते हैं ये डिफरेंशिएट कर जाती हैं दो प्रकार के सेल में, ज़्यादा प्लाज्मा सेल एंड थोड़ा बहुत मेमोरी सेल, जिसको आगे यूज किया जाएगा। ठीक है, मेमोरी रहेगी तो सेम एंटीजन जब अटैक करेगा तो उसको मारने की क्षमता रहेगी हमारे बॉडी के अंदर। मेच्योर बी सेल डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल एंड सम मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल इनलार्ज, प्लाज्मा सेल बढ़ती है, डिवाइड
डिवाइड करती, कई सारे प्लाज्मा सेल बनाती एंड डिफरेंशिएट इनटू क्लोन, और बाहर बहुत सारे क्लोन यानी बहुत सारे सेम प्लाज्मा सेल में बट जाती है, यानी एक प्लाज्मा सेल से कई सारे प्लाज्मा सेल बन जाती हैं। क्लोन का मतलब होता है सेम टाइप के प्रोडक्ट देना। तो प्लाज्मा सेल होती है सेम तरीके की प्लाज्मा सेल बना लेती है बहुत सारी, उससे क्या होगा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। प्लाज्मा सेल सिक्रीटेड स्पेसिफिक एंटीबॉडी, प्लाज्मा सेल जो होती है स्पेसिफिक एंटीबॉडी सिक्रीट करेगी दैट सर्कुलेट इन द लिम्फ एंड ब्लड, जो ब्लड और लिम्फ में सर्कुलेट करेगा और एंटीजन को मार देगा। दैट सर्कुलेट इन लिम्फ एंड ब्लड एंड रीच द साइट ऑफ इन्वेजन, और उस साइट पर पहुंचता है जहां पे एंटीजन का अटैक हुआ है। हुज दे बाइंड विद देयर एंटीजन, जहां पे वो अपने एंटीजन से बाइंड कर जाती हैं और एंटीजन का क्या कर देती हैं लिसिस। इसे देखो ये बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट किस में कन्वर्ट होगा प्लाज्मा सेल में, ये प्लाज्मा सेल है और बी लिम्फोसाइट यहीं पे किस में जाती है, थोड़ा बहुत बी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल भी बनाती है, ध्यान रखना इसकी अलग हम लाइन अभी देखेंगे। थोड़ा बहुत बी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल बनाते हैं, लेकिन हमें देखना क्या है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो हम बी सेल पे ध्यान देंगे यानी प्लाज्मा सेल पे ध्यान देंगे। जो बी सेल जो होती है वो प्लाज्मा सेल बनाया, प्लाज्मा सेल ने क्या किया बहुत सारे एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दिया, देखो वाई सेप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दिया, बहुत सारी एंटीबॉडी हो गई, तो जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ एंटीबॉडी पहुँच जाएंगी और एंटीजन को मार देंगे। ओके तो पूरा मैकेनिज्म समझ में आया ना, एक बार रीड करोगे समझ में आ जाएगा अपने आप। ये पॉइंट देखो, सम एक्टिवेटेड बी सेल, जो बी सेल एक्टिवेट हुई थी उसमें से कुछ बी सेल जो होती हैं बिकम मेमोरी सेल, वो मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं यानी मेमोरी सेल बना लेती हैं को, और बहुत ज़्यादा जो बी सेल होती हैं वो प्लाज्मा सेल बनाती हैं, कुछ जो होती हैं वो मेमोरी सेल बना लेती हैं। मेमोरी सेल कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी, तो मेमोरी सेल जो होती हैं वो थोड़ा थोड़ा एंटीबॉडी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते रहते हैं आफ्टर द इन्फेक्शन हैव ओवरकम, जब इन्फेक्शन ओवरकम हो जाते हैं यानी इन्फेक्शन से हम लोग निपट लेते हैं तब। देखो इसको, मेमोरी सेल कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ द एंटीबॉडी आफ्टर द इन्फेक्शन हैव ओवरकम, जब इन्फेक्शन से ओवरकम हो जाते हैं इन्फेक्शन से हम जीत जाते हैं यानी ख़त्म हो जाता है, तब भी जो मेमोरी सेल होती हैं थोड़ा थोड़ा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती रहती हैं। सो बॉडी विल रेडी इफ द सेम इन्फेक्शन अकर्स, इसलिए जो मेमोरी सेल होती है थोड़ा थोड़ा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती रहती है, जिससे हमारी जो बॉडी होती है वो रेडी रहती है कि सेम एंटीजन अगर आएगा यानी सेम इन्फेक्शन अगर होगा तो उसको हम बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे यानी बहुत फास्ट ओवरकम करेंगे। कॉल्ड देखो, सो बॉडी विल रेडी इफ द सेम इन्फेक्शन अकर्स कॉल्ड द सेकेंडरी इम्यून सिस्टम, यानी कि जो मेमोरी सेल होती हैं वो सेकेंडरी इम्यून सिस्टम बना लेती हैं जिससे वो सेम इन्फेक्शन को ओवरकम कर लेंगे। विच इज द फास्ट, जो बहुत ज़्यादा तेज होगा एंड लॉन्ग लास्टिंग, जो लॉन्ग टाइम तक रहेगा या लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ओके तुम्हारे मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी एंड हो गया।